दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे जो फोन का बैटरी है सबसे ज्यादा हमारे फोन का डिस्प्ले खर्च करता है, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो अपने फोन के डिस्प्ले पर ही करते हैं। लेकिन हमारे जो फोन का डिस्प्ले है इसके अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स होते हैं जिसको बंद करने के बाद आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के डिस्प्ले के कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन के बैटरी को 2 से लेकर 3 दिन तक चला सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर जो डिस्प्ले वाला सेटिंग्स होता है उसके अंदर आपको सिर्फ कुछ सेटिंग्स करना होगा, उसके बाद आपकी जो फोन का बैटरी बैकअप है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो सेटिंग्स कौन सा, उसे कैसे यूज करना है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि एक एक सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए मैं टाइम स्टे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सेटिंग्स है जो कि आपको खुद से ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो फोन का बैटरी बैकअप है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है लॉक स्क्रीन। यहां पर देख सकते हैं नीचे में आपको लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है। सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लीप के नाम से, इस पर आप टाइप कीजिएगा तो यहां पर आपको कुछ सेकंड और कुछ मिनट देखने को मिलेंगे। लेकिन सभी लोग के फोन में क्या होता है कि ये नेवर पर सेट होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो फोन का डिस्प्ले है वो जलते रहता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर अपने फोन को चार्जिंग में लगाए हैं, वैसे में अगर आप अपने फोन को लॉक नहीं करते हैं तो आपके जो फोन का डिस्प्ले है वो जलते रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने फोन पर कुछ काम करते रहते हैं और जल्दी जल्दी में अपने फोन को ऐसे ही छोड़कर और चले जाते हैं या फिर वैसे में पैकेट में रख लेते हैं और हमारे फोन का जो डिस्प्ले है वो जलते रहता है और हमारे फोन का बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे फोन का बैटरी कहां खत्म हो गया। तो यहां पर आपको करना क्या है, 1 मिनट पर सेट करना है या फिर आप 15 सेकंड भी कर सकते हैं, जितना आपको मिनट सेट करना है उतना आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 1 मिनट ही सेट करता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे सेकंड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको बैक चले आना है, बैक आने के बाद डिस्प्ले के अंदर आ जाना है आपको, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा ऊपर जाइएगा तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है ब्राइटनेस लेवल। यहां पर आप देख सकते हैं आपको ब्राइटनेस लेवल के अंदर आना है। ये क्या होता है कि हमारे फोन में ऑफ रहता है लेकिन हमें इसे ऑन करके ही रखना चाहिए, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि कैसे होता है मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे कि आप अपने फोन को लेकर बाहर गए, ठीक है, मतलब घर के बाहर है और वैसे में अपने फोन के ब्राइटनेस को ज्यादा करके रखे हैं और आपके फोन का जो बैटरी है वो तो कंज्यूम हो रही है। अगर आप घर के अंदर भी आते हैं तो आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा ही रहता है और वैसे में आपके फोन का बैटरी पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अपने फोन में जितना ज्यादा ब्राइटनेस करते हैं उतना ही हमारे फोन का बैटरी कंज्यूम होता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पर यहां पर आपको सेट करना है। सेट करने के बाद क्या होगा कि जो आपके फोन का सेंसर है ना, ऊपर जो सेंसर होता है उसके हिसाब से आपका ब्राइटनेस ज्यादा या कम होगा। अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो आपके जो फोन का ब्राइटनेस है वो ज्यादा हो जाएगा, धूपा में रहिएगा तो आपके फोन का ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगा और जैसे ही घर के अंदर आए छाया में वैसे ही आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा। वैसे में आपके जो फोन का बैटरी है काफी ज्यादा सिक्योर रहेगा, तो आप इसे अपने फोन में जरूर ऑन कीजिएगा। तो यहां पर मैं पहले अभी बंद करता हूं क्योंकि ब्राइटनेस कम हो जाएगा तो फिर आपको दिखेगा नई वीडियो में। तो ये सेटिंग्स अपने फोन में जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए डायरेक्टली आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कलर स्कीम। यहां पर आप देख सकते हैं आपको कलर स्कीम के अंदर जाना है। यहां पर जाइएगा तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, डिफॉल्ट, वार्म, कूल और कस्टम का। यहां पर आपको करना क्या है, सभी का क्या होता है कि डिफॉल्ट पर सेट होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे फोन का लाइट है ना वो व्हाइट जलता है। व्हाइट मतलब कि यानी कि आपके फोन का बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। जो भी हमारे फोन में व्हाइट लाइट जलता है वो हमारे फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, कस्टम पर सेट करना है। इससे आपके जो फोन का बैटरी है ना बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो फोन का कलर है वो चेंज नहीं होगा लेकिन इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कलर में, उससे आपकी जो फोन का बैटरी है ना बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा और काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सेटिंग अपने फोन में जरूर कीजिएगा, डिफॉल्ट से हटाकर आपको यहां पर कस्टम पर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे फोर्थ सेटिंग्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली बैक चले आना है। बैक आने के बाद थोड़ा ऊपर जाइएगा तो यहां
पर सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइट मोड का और डार्क मोड का। आपको तो ये पता ही होगा कि जो हमारे फोन में लाइट मोड होता है वो हमारे फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई आपके फोन में जो व्हाइट लाइट जलता है ना वो आपके फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, डार्क मोड पर सेट कर देना है, ठीक है। या फिर अगर आप डार्क मोड पर सेट नहीं करना चाहते हैं, शेड्यूल डार्क मोड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपको लाइट मोड पर सेट कर देना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल डार्क मोड का, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल डार्क मोड का, इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर रात में अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि भाई टर्न ऑन यानी कि 8 PM से 6 AM तक हमारे फोन में डार्क मोड ऑन रहे, जिससे कि हमारे फोन का बैटरी बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा। यहाँ पर आप जितना टाइम सेट करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं, जैसे 7 PM या फिर यहाँ पर जितना AM करना है उतना आप कर सकते हैं, जितना आपको टाइम सेट करना है उतना आप कर सकते हैं। इतने टाइम तक आपके फोन में डार्क मोड ऑन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके फोन में लाइट मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे फिफ्थ सेटिंग्स के बारे में, तो उसके लिए डायरेक्टली आपको बैक चले आना है। बैक चले आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सेटिंग्स के अंदर बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको बैटरी के अंदर आ जाना है, यहाँ पर ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स के नाम से, तो आपको सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको अपने फोन के अंदर ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो फोन का बैटरी है वो कहाँ ड्रेन हो रहा है, किस वजह से ड्रेन हो रहा है, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपका जो बैटरी है वो इस वजह से ड्रेन हो रहा है, उसे आप अपने फोन में फिक्स आउट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने फोन में इस सेटिंग्स को ऑन नहीं करते हैं तो आपका बैटरी किस वजह से ड्रेन हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, एप्लीकेशन से वजह से हो रहा है या फिर आपके फोन का डिस्प्ले की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और वजह से हो रहा है, आपको ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अपने फोन में इस सेटिंग्स को ऑन कर लीजिएगा तो किस वजह से आपके फोन में बैटरी ड्रेन हो रहा है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेज देगा, उसके बाद आप अपने फोन में उसे फिक्स आउट कर सकते हैं। तो ये 5 सेटिंग्स से आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बैटरी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।